दोस्तों आज बात करते हैं कि हम SBI का ATM या डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, न्यू ATM या डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए आपके पास और डेबिट कार्ड के लिए जब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपने इंटरनेट बैंकिंग ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आपका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको ऊपर 3 लाइन्स दिखाई देंगी लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ई सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको ई सर्विस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ई सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई देगा ATM कार्ड सर्विस। तो आपको ATM कार्ड सर्विस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ATM कार्ड पर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आप को ये दिखाई देगा, पहला ऑप्शन ब्लॉक ATM कार्ड। अगर आपको ब्लॉक करना है ATM कार्ड तो यहीं से कर सकते हैं। फिर है ATM कार्ड लिमिट एंड चैनल यू चेंज और ATM पिन जनरेशन, न्यू ATM पिन कार्ड एक्टिवेशन और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड ट्रैक डेबिट कार्ड। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट और ट्रैक डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है न्यू ATM अप्लाई करने के लिए। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो भी आपका अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए मैंने अपने अकाउंट में मान लिख रखा है या फिर ये नीचे दे रखा है सेकेंडरी अकाउंट यानी कि। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद अपना डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और जो अपने डेबिट कार्ड पर आपको नाम चाहिए वो यहाँ पर क्लिक करना है और फिर ये टर्म एंड कंडीशन जो बॉक्स में दे रखा है टिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना अकाउंट और यहाँ पर डेबिट कार्ड कर लेते हैं। यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नाम डालेंगे यहाँ पर सेलेक्ट टाइप कार्ड, आपको यहाँ पर कौन सी कंपनी का कार्ड मंगाना है वो टाइप कर देंगे। जैसे मास्टर कार्ड वीजा रुपए, मास्टर कार्ड वीजा रुपए यानी कि ग्लोबल है और एक डोमेस्टिक है इंटरनेशनल। तो आप कॉन्टैक्ट लेस हम शुरू वाला ही कर लेते हैं, पेपास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मास्टर। तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करा और इस बॉक्स में टिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर मोर देन 2 एक्टिव कार्ड्स आर नॉट परमिटेड एज पर बैंक पॉलिसी। हमारे पहले ही एक्टिवेट कार्ड है जो कि हमने ब्लॉक कर रखे हैं, तो हम दोबारा ऐसा न्यू रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपने पहले अप्लाई नहीं कर रखा, 2 ATM कार्ड से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो आप अपना ATM कार्ड इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।